हे गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल आशीष पुनीता ब्लॉग और ये देखिए आपके आशीष भैया ने मेरा क्या हाल कर दिया, तो है दिया। मुझे मार मार सबको पता है कौन मार है। <laughs> सबूत है ये ये मेरे बाल सबूत है कि मेरे बाल खींचे गए हैं ए, चलो बंद करो सर जल्दी सीक्रेट में बनता जल्दी यहाँ को ये इंसान मेरा बाल खींचीच के ना अभी मेरा बाल इतना सारा टूटा है ऐसे पकड़ के नोच दिए हैं इस इंसान का क्या किया जाए बताइए आप लोग केस कर दो इनके ऊपर कि मेरा बाल खींचे हैं <laughs> इसको मैं बहुत मारूंगी बहुत मारूंगी <laughs> <laughs> क्या है एक बार भी आप बोले वेलकम हाय हेलो कुछ हुआ Hi. कोई मतलब नहीं देखिए इसको welcome. तुम सो गए तो पहले जल्दी से चलो गुड नाइट से गुड नाइट बोलो तो सभी को Good. तो ये ये आदमी को सरम ही नहीं आ रहा, अभी भी नहीं बोल रहे हैं हाय है देख रहे हैं आईफोन लिए। आप सेब ही लो आईफोन लेवे है इसलिए भाव खा रहे हैं क्या हमारा आईफोन तो आईफोन ही लेंगे ना हाय फ्रेंड सेब क्या बोले इस घर में पता नहीं एक एक नमूना ऐसा ऐसा है ना कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इन नमूनों का मैं करूं तो करूं क्या तुम्हारा तीखा गंदा वाला दिख रहा है बस की हो बस बहुत बढ़िया बहुत तू <laughs> बोलिए <बोलीगा। laughs> तनु आप सो जाओ हाय फ्रेंड्स चाय पी लो <laughs> अब एक बार ये बोलो कि तनु ना तो देखना मैम को मैं फोन करूंगी मैम का नंबर आ गया ट्यूशन वाली मैम का ठीक है इससे ट्यूशन में लगवा दी हूँ ना मेरा बहुत काम थोड़ा आसान हो गया है सब कुछ इसे ना मतलब दो-तीन दिन में इसे इतना कुछ लर्न हो गया है सारा जितना भी इसे करवाई थी मैम स्कूल वाली सिलेबस जो भी था मतलब बहुत सारा चीज याद हो गया है तो यहाँ से हेडेक था उसमें कम हुआ है ये तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था इसे याद करवाओ बैठाओ अभी भी करवाती हूँ लेकिन ट्यूशन की वजह से ना मुझे बहुत थैली मिला जल्दी 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 ठोको ठोको स्मार्टेस्ट इन द वर्ल्ड नॉट मी देखिए मच्छर हो रहा है मारिए इसे कहाँ हैं वो चीज़ अच्छा दसमा नहीं लगाया मैं भी गलत टाइम पे बोल दी इन्हें <laughs> कुछ बोलिएगा इतना गाल और इतना बोल मुझे गुस्सा दिलाता है बार बार ऑफिस में हैं ऑफिस आके नहीं हैं आज पता है क्या हुआ सुबह इतना बारिश हो रहा था तो ये गए हैं ऑफिस कैसे अब अगर ये डेली डेली कैब से ऑफिस जाएंगे तो पैसा यह है कि सैलरी का तो आधा पैसा कैब ही में चला गया हाँ क्या करिएगा बताइए और इस समय मुझे नहीं लगता है कि मतलब गाड़ी लेना सही होगा क्योंकि अभी कोविड का केस इस तरीके से बढ़ रहा है कि पता नहीं लॉकडाउन लग जाएगा या क्या हो जाएगा अगर लॉकडाउन लग गया तो बहुत बड़ा मुसीबत पड़ जाएगा इसलिए अभी हम लोग गाड़ी लेने का जो प्लान है ना इसे पोस्टपोन कर दिए हैं इन्हें बोले कि रेनकोट ले लीजिए तो वो भी नहीं लिए अब आपका रेंट कोड इतना में आ जाता है जितना आप आज कैब का पैसा दे दिए हैं अब कल के लिए मैं बोली, तो बोली, बोल रही कल भी देखेंगे इनका यही है एकदम वक्त पे क्या करना है तब सोचते है नहीं अपना फोन अभी फोन लिया तो तुम्हें नहीं, नहीं लग रहा था फोन मतलब देखिए 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 फिर गोल जो गोल चलिए फ्रेंड्स गुड नाइट गुड नाइट बोल का गुड नाइट गुड नाइट ये तो कुछ बोलने ही वाले नहीं है बाय फ्रेंड्स पानी पी लो तो फिर से स्टार्ट हो गया हमारा कॉल चैट फिर से हमारा चैट चालू हो जाएगा तो ये देखिए फ्रेंड्स यहां इसका वीडियो कॉलिंग हो रहा है भैया के साथ वीडियो चैट कर रही है है ना वैसे मैं तो जल्दी दूध दी हूं और ये देखिए इसे ना मलाई बहुत पसंद होती है मलाई है चम्मच है और अभी आजकल तो हमारा ना जो ब्लैंकेट है वो तो फोल्ड हो ही नहीं रहा है घर में इतना ठंड है ना कि ब्लैंकेट तो फोल्ड ही नहीं होता है हस्बैंड बोलते हैं कि आप ही पूरा मज़ा ले रहे हैं ठंडी का मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद दोबारा मैं सो जाती हूँ वो जाते हैं फिर मैं सो जा रही हूँ अब कल से नहीं होगा कल से का स्कूल खुल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तो अभी तक आज तक मतलब विंटर वेकेशन था इनका आठ तारीख तक आज नौ है आज संडे है तो कल से स्कूल इनका ओपन हो जाएगा तो फिर सेम वही रूटीन तो आज तक तो मजे लिए हैं इनके ऑफिस जाने के बाद दोबारा से हम लोग सो जाते हैं और आराम से उठते हैं जब भूख लगता है तब है न कल से कल से स्कूल स्टार्ट तो टाइम से उठना है दे 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 दे। और अभी ये देखिए ये है मेरा चिया गया इसमें अच्छे से दिखेगा आप लोगों को पता है इस ठंडी में ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है क्या बोले घर रहते रहते आलस हो गया है और मैं एकदम इतनी मोटी होते जा रही हूँ ना मेरा मतलब क्या बताऊँ मैं अगर वेट अभी नापूंगी तो पता चलेगा कि कितना वेट हो रहा है तो अभी सुबह ब्रेकफास्ट तो मैं कर रही हूँ अभी मुझे लंच करने का मन नहीं है और सोच रही हूँ कि मैं लंच ना करूँ तो ये देखिए ये है मेरा चिया सेट्स इसे मैं भिंगों के रख देती लगभग दो ढाई घंटे पहले इसी को पी लेती हूँ और कुछ फ्रूट खाऊंगी अभी इन सब सारा चीज हो जाता है नहीं पहले लड़ाई होता था इसलिए फिर हम बात करना छोड़ दिए थे दूध पहले फिनिश करो चिकू से बात होता था दूध पहले जल्दी से फिनिश करो स्पून देखो वहाँ रखा हुआ है पीछे बर्तन में तो आज है संडे और हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं जैसा कि आप लोग पता है कि संडे को छुट्टी उनकी नहीं होती है मोस्टली उनकी छुट्टी होती है ट्यूसडे को तो परसों तनीषा का परसों स्कूल खुल जाएगा खुला हुआ रहेगा हाँ कल ही खुल रहा है तो परसों भी रहेगा ही ना स्कूल यार मैं कितना सोचती हूँ रात में सोचती हूँ ना कि सुबह मैं जल्दी उठा करूँगी और सुबह जल्दी उठकर सारा काम करके फिर वीडियो वगैरह बनाऊँगी इंस्टाग्राम के लिए क्या करूँ इतना आलसी हो ठंड मेरे बात ठंडी इतना ठंडी है ना यहाँ और ऐसा मौसम हो रहा है ना कि मतलब फिर से जाके मैं सोचा जा करूँ लेके लाइट चला गया ये, ये, ये यू, यूपीएस से कनेक्ट किए हुए हैं वो हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो ब्रॉडबैंड नहीं वो वाईफाई जो है वो कभी बंद नहीं होता है अब वो चलता ही रहता है नहीं तो फिर जब भी लाइट जाता था तो वो भी बंद हो जाएगा और एक मिनट डेढ़ मिनट दो मिनट तो फिर प्रॉब्लम होता था लेकिन अब बंद नहीं होता है तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना अब स्टार्ट करूँ क्योंकि ना मुझे ऐसा फील हो रहा है वेट ज्यादा गेन हो रहा है मेरा ये सब मेरा बहुत ज्यादा डबल चीन आ गया है जो कि पहले बहुत कम था नहीं था ये तो नहीं कहूंगी पता नहीं मेरा ना फेस हमेशा गोल मटोल सही रहा है शुरू से मतलब शरीर मतलब वेट सही रहा है लेकिन फेस में ये चीज ना मेरा हमेशा रहा है अभी ज्यादा हो गया पहले उतना नहीं था अभी ज्यादा हो गया है ये चीज तो ये सब कम करना है मैं सुबह चाय नहीं पी रही हूँ दो दिनों से <laughs> आज सुबह नहीं पी थी कल सुबह भी नहीं पी थी मैं कल पी थी याद नहीं आ रहा है शाम को मैं पी ले रही हूँ क्योंकि ना अब मुझे आदत हो गया है मतलब पहले तनो! तुम कंटिन्यू चला रही लाइट चला गया लाइट चला गया पहले क्या था कि कभी कभी पी लेती थी लेकिन अब क्या हो गया ना रेगुलर बेसिस पे मेरा हो गया था मतलब सुबह सुबह हस्बैंड जब पीते थे तो शाम में लेकिन अभी भी इतना आदत नहीं है कि मैं अपने लिए बना सकूं केवल मतलब परसों मुझे ना दिन में भी मन कर रहा था शायद सुबह में नहीं पी थी ना कल शायद तो मुझे दिन में मन हो रहा था लेकिन ऐसा भी मुझे अब आदत नहीं लगाना है कि मतलब अपने लिए चाय स्पेशल बना के और पीओ नहीं तो ये बहुत गंदा आदत मुझे लग जाएगा और हमेशा मैं पीते ही रहूँगी तो आज हमें लाइव भी आना है तो शायद देखिए लाइव से पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ आपको सारे लोग लाइव आइएगा हमारे आज संडे है तो संडे को लाइव हम लोग करते हैं और फ्रेंड्स क्या होता है ना कि कैसे बताए मतलब होता है ऐसा ना कि मैसेज बहुत सारे लोग कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं वो अगर आप पता नहीं नोटिस किए होंगे कि नहीं लेकिन एक तो कमेंट को पढ़ते हैं ना उस बीच में द, आ, करीब सौ डेढ़ सौ कमेंट ना लिखा हुआ जाता है तो पढ़ ही नहीं पा हो ही नहीं पाता है कि सभी लोगों का कमेंट पढ़ पाए अगर जिन लोगों का भी कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं तो सॉरी उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा लेकिन कोशिश पूरा रहेगा कि अब वो मेरे से पिटाई खाना चाह रही है बस मुझे पता है कि वो मेरे से पिटना चाह रही है तो आज सुबह मैं बनाई थी आलू बैगन आ, की सब्ज़ी और पूरी बना दी थी और पूरी इसलिए बना दी थी ना क्योंकि कल रात कल भी मैं ना छोले के साथ बनाई थी मतलब क्या बोलूँ मैं हमारा मतलब खाना ऐसा बन रहा है ना आजकल कि कितना भी चाहूँ वेट कम करना तो हो नहीं पाएगा और कल रात में कल दिन में ही छोला बना था और हस्बैंड लेकर नहीं गए थे कल ये बताया था ना कैब से चले गए थे नहीं बताई थी मैं ऑफिस से कैब से चले गए थे क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी तो लंच ले कर नहीं गए बोले कि क्या एक लंच बॉक्स टांग कर ले जाएंगे तो छोले बहुत ज़्यादा था तो फिर रात में जब आए थे तो फिर मैं भटूरे बनाई थी छोले भटूरे तो तनीसा को भटूरे बहुत पसंद है उसका आटा बचा हुआ था तो उसके लिए दोबारा से सुबह में ब्रेकफास्ट में वो बना दी और बाकी सब लोग सब्जी पूरी खाए हैं और इसलिए हैवी हो गया है ब्रेकफास्ट तो मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है तो अभी मैं ये पी रही हूँ और तनीषा भी दूध पी रही थी फिर भूख लगेगा तो बनाएंगे हमारा यही है भूख लगता है तो खाना बनता है <laughs> क्या करें कुछ मतलब कम लोग होने से ही होता है सुबह लेट हो जाता है ब्रेकफास्ट तो फिर दोपहर में इसे तो मैं दे देती हूँ लेकिन मुझे जब भूख लगता है तो मैं अपने लिए झटपट कुछ बना लेती हूँ क्योंकि ना चावल वग़ैरह ठंडा तो पसंद नहीं करती हूँ ना तो मैं ना तो हस्बैंड तो ठंडी के मौसम में गर्म गर्म ही अच्छा लगता है तो फिलहाल भूख नहीं लगा है जब भूख लगेगा तो कुछ बनाएंगे थोड़ा बहुत स्नैक्स टाइप का तो चलिए फिर व्लॉग को कंटिन्यू फिर देखिए लाइट आया और ये लाइट फिर चला गया चलिए गाइस बाय बाय तो ये इतनी तनिषा अपना होमवर्क कर रही है ना देखिए ये तनिषा की राइटिंग है पता है इसकी सीधा उठो बेटा बाल कैसे नीचे की हुई हो पूरा इसकी जो हैंड राइटिंग है ना इसकी तारीफ ना हर एक स्कूल में इसकी मैम करती है पीडीएम गए थे तो वो तारीफ आपने सुनी थी

म्योनीस डाल दी थी क्योंकि और कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं डालू क्या और ये बोल रही है मुझे कुछ अलग सा खाना है चीज पास्ता मैंने था तो चीज़ था नहीं अभी तो उसमें मैं म्योनीस डाल दी थी तो उसके बाद उसका टेस्ट थोड़ा क्रीमी सा लगने लगा और मुझे भी काफी अच्छा लगा मैं खाकर खत्म भी कर दी हूँ अपना थोड़ा सा बचा और ये अभी सारा होमवर्क करके इसे सारा लर्न करना है ठीक है और फिर मैं अभी सारे लोग सुनेंगे अभी आप लर्न करके मुझे सुनाओगी मैं उसका वीडियो बनाऊंगी ठीक है हम्म कौन सा चैप्टर है बेटा टू नाम चैप्टर का चैप्टर टू है अंडर माय बेड अच्छा इंग्लिश में कर रही हो मुझे लगा ईवीएस काम कर रही हो चलो ठीक है करो गुड इवनिंग फ्रेंड्स ये देखिए ये भी घर आ गया है और आज पता है क्या हुआ था मेरे साथ क्या हुआ जब मैं मार्केट जा रही थी मतलब वही छः बजे के आसपास नीचे जा रहे थे और पता नहीं फिफ्थ फ्लोर पे या थर्ड फोर्थ फ्लोर पे हम गए होंगे उसी बीच ना लाइट चला गया और इतना जोर से लिफ्ट में ना मतलब क्या बता एकदम झटका लगा ना झटका मतलब बिजली का झटका नहीं मतलब समझ, समझ, सम, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहिए एकदम से और फिर मतलब करीब तीस चालीस सेकंड तक कुछ नहीं और फिर अचानक फिर वो फिफ्थ फ्लोर पे जाके और खुला लिफ्ट फिर लोर फिर तो फिफ्थ फ्लोर से कैसे गए फिर फिफ्थ फ्लोर पे खुला फिर मैं फिर देखी सब बाहर लाइट वाइट आ गया है तो फिर नीचे जब गए नीचे नहीं मतलब लिफ्ट में घुसे फिर जीरो दबाया तो वो ऊपर जाने लगा क्यों तो जा रहा तो हो होगा तो था, क्योंकि वो पर आ गया था। और लेकिन ना वो जो झटका था ना मतलब क्या बताया तुम्हें पता है ना कैसा झटका लिफ्ट में तुम पापा भी जा रहे थे ना एक बार तो लाइट से आ गया था दो बार हुआ एकदम बहुत ही तेज झटका ऐसा लगा और मेरा तो हुआ मेरा तो लगा कि आधा प्राण मेरा सूख गया सच में बहुत ज्यादा डर एकदम ना मतलब लड़का कोई अगर हार्ट का पेशेंट होगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा दो बार हुआ है मैं और पापा के साथ। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम था इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए बहुत ज्यादा एकदम ना मतलब मैं चुप हो गई एकदम थोड़ा देख एकदम बिल्कुल चुप जैसी मैं हुई जैसे ही मैं पहली बार और दूसरी बार लिफ्टी पहले जा रही हूँ खाना बनाने और आपको पता है कि संडे को नौ बजे लाइव भी आना है और अभी देखिए आठ बजने में दस मिनट रह रहा है और जल्दी से ये वीडियो को मुझे इस वीडियो को अपलोड करना है और आप लोग जल्दी से ये तो आधे नंगे हैं तुम जो पढ़ाई करो करते ट्रॉजर यहाँ खोल होंगे वही होगा बारिश ऐसा मौसम में कपड़ा क्या धोएंगे मतलब इतना ऐसा मौसम हो रहा है कि कपड़ा धोए और पता चले कि वो कपड़ा और मेरे लिए जी का जंजाल बन जाए ना सुखाने का जयगा ना कुछ बारिश ऐसा हो रहा है नोएडा में मतलब चार पांच दिनों से मैं क्या बताऊं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बालकनी साफ करूं या नहीं ये देखिए अभी मैं बैक कर ये देखिए आप लोग पानी दिख रहा है मतलब इतना पानी हो जा रहा है ना यहाँ छोड़ ही दी मैं सोच रही हटो साफ करके कर कर मैं थक गई हूँ बालकनी से पानी आ जाता है बारिश होता है तो उधर वाले बालकनी से नहीं आता है बहुत बहुत ज्यादा छीटा मतलब क्या कहते हैं उसको हवा वाला पानी होता है ना बहुत तेज तब ये बाल अटैच में पानी आने लगता है, मतलब जो रूम है, तो ये किचन वाले में तो थोड़ा भी बारिश होता है तो पता नहीं आ जाता है तो ज्यादा कप नहीं करना है अब मुझे क्योंकि ब्लॉग को ये अपलोड करना है और नौ बजे लाइव भी आना है और मुझे भी खाना भी बनाना है तो ज्यादा बात नहीं करूँगी जल्दी से बाय करना सारे लोगों को मत भूलना टाटा